5 अगस्त कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट के जन्मदिन के मौके पर कलवा मुमरा के विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने एक कार्यक्रम रखा था, जिसमें जितेंद्र भाट के हाथों से स्कूल के बच्चों को कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, इसके अलावा स्कूल के बैग बांटा गया है। साथ ही जो विकलांग थे उन्हें व्हील चेयर भी दिया गया है। इसके अलावा बाईपास से सटकर सैयद महमूद कादरी नामक व्यक्ति का मकान तेज बारिश में गिर गया था और उन्हें मकान बनाने के लिए भी आर्थिक मदद की गई है। चांद नगर के इलाके में एक बच्चे को करंट लगने से मौत हुई थी, उनके पिता की भी आर्थिक मदद की गई है। इसके अलावा विधायक जितेंद्र भाट के जन्मदिन के मौके पर शमीम खान की तरफ से कई लोगों को स्कूल के फीस वगैरह देकर आर्थिक मदद की गई है। कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र भाट के जन्मदिन के मौके पर महेंद्र कुमलेकर ने भी ब्लड कैंप रखा था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और ब्लड डोनेशन किया गया। इसके अलावा फ्री बॉडी चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया था। शमीम खान और महेंद्र कुमलेकर ने विधायक जितेंद्र भाट के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया और क्या कहा इस मौके पर आपको सुनाते हैं। इस्लामुद्दीन भाई, जन्मदिन तो बहुत तरीके का होता है। नीलेश कनौजिया जी, बहुत लोग आतिशबाजी से करते हैं, बहुत लोग केक काट के करते हैं, बहुत लोग बहुत अलग अलग विभिन्न तरीके का प्रोग्राम आयोजित करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ में आया, बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि हम लोगों ने कभी यहाँ केक नहीं काटा, कभी यहाँ पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि जिससे लोगों को इसका फ़ायदा ना हो। तो हम लोगों ने इस बार का जो प्रोग्राम आयोजित किया है वो 5 अगस्त हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के जन्मदिन के मौके पर, जो फैमिली, जो पेरेंट्स को फीस की ज़रूरत, तकरीबन एक बच्चों को 2000 रुपये का चेक दिया है इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट का। इस तरीके से जो कौसा TMC स्कूल का एक बच्चा था जो फर्स्ट था, उसको हम लोगों ने कंप्यूटर्स दिया है। जो TMC मुमरा का एक स्टूडेंट था उसको हम लोगों ने एक कंप्यूटर दिया है। और कई सारे बच्चों को, जो बच्चे अच्छे टॉपर्स थे और जिन बच्चों ने कभी एंड्रॉयड मोबाइल अपने हाथ में लेकर के नहीं देखा था, उन बच्चों को मोबाइल भी देने का काम किया है। आज हमारे आदरणीय लोकप्रिय आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब का जन्मदिन के अवसर पे हमने यहाँ पर ब्लड डोनेट और बॉडी चेकअप का जो कैंप रखा था उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लगभग 130 से 135 लोगों ने अपने बॉडी चेकअप का पूरा जायज़ा किया। उनको बेहतरीन डॉक्टर थे यहाँ पर और उन्होंने उनको शिवाजी हॉस्पिटल का टाइमिंग दिया है। जो पेशेंट क्रिटिकल थे उनको टाइमिंग दिया है, उस टाइम पे आकर उनका सही से इलाज हो जाएगा। और 75 से ऊपर अभी तक अभी भी चालू है, अभी तक 75 लगभग बॉटल ब्लड डोनेट हो चुका है। मुमरा में काफ़ी अच्छे नौजवानों ने हमारा साथ दिया और बुज़ुर्ग लोगों ने अपना चेकअप करके लिया। आवाड साहब ने हमें कहा था कि जो देश के हालात है वो देखते हुए ना कोई केक काटेंगे और ना कोई बुके या शॉल स्लीपर अपना स्वीकार सत्कार करेंगे। वो आकर खाली उन्होंने विजिट किया और हमारे जो डोनर थे और जो कार्यकर्ता थे उन सबको शुभेच्छा लेते हुए वो यहाँ से अभी निकल गए।